एक श्रृंगार स्वाभिमान की मेघना की हो गई सगाई और सगाई के बाद मनाया जा रहा है जश्न। लड़का भी नाच रहा है और लड़की भी, लड़की की बहन भी और लड़की की माँ भी। भाई खुशी का मौका है, लड़के का रिश्ता इतने बड़े घर में जो हुआ है, और लड़का लड़की दोनों भी खुश हैं क्योंकि उनकी तो अरेंज कम लव मैरिज हो रही है। लव कम अरेंज्ड, हम दोनों पहले से, मतलब हम दोनों नहीं, मैं इन्हें कॉलेज में बहुत पसंद करता था, ये मेरे को बिल्कुल भाव नहीं देती थी, बिल्कुल नहीं। मैं बाकी सब लड़कियों को पटा लेता था, मतलब इसको क्या प्रॉब्लम है। प्रायोरिटी पढ़ाई थी, वरना लड़के में कोई कमी नहीं थी। हाँ, लड़के में कभी नहीं थी, लेकिन मैं ये चाहती थी कि अपना गोल्स जो है उसे फॉलो करो। इन चीज़ों में अगर भटक गई तो शायद मम्मी का सपना कहीं पीछे रह जाएगा, तो मैंने कभी बात नहीं की। वे अरेंज्ड हो गई बाय चांस, बट लव तो हाँ, डेस्टिनी। देखिए रिलेशन, मतलब स्वाभिमान जो सीरियल है उसी मुद्दे को लेकर काफ़ी सारे मुद्दे ही उठने वाले हैं, तो आप देखिएगा ना, क्योंकि बहुत से ऐसे नेचुरल, बहुत रियल सिचुएशंस होने वाले हैं जो होते हैं, जो अक्सर हम देखते हैं परिवारों में, तो हम बस उन्हीं को बताने की कोशिश कर रहे हैं, इन अनदर वे, दैट्स ऑल। मगर बात जहां स्वाभिमान की आती है तो यहां टकराव तो होना ही है, लेकिन इस टकराव से पहले यहां एक और ट्विस्ट आया है। दुल्हन बनने वाली मेघना पर कुछ तो बड़ी चीज गिरने वाली थी, मगर उसकी बहन नैना ने उसे बचा लिया, और इस पार्टी में नैना ने अपनी बहन के ससुराल वालों की तारीफ भी पाली। तो आ गया ना कहानी में ट्विस्ट। वैसे इससे बड़े बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, क्योंकि एक साधारण परिवार और एक बहुत ही रईस परिवार के बीच टकराव होने वाला है, शादी के वक्त भी और शादी के बाद भी। मुंबई से सोमा वेद अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।